7:15 पर यह बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखेंगे मंत्रियों के सामने रोड मैप और 100 दिनों की कार्य योजना पर काम शुरू किया जाएगा। जन घोषणा पत्र को लागू करने की प्राथमिकता सबसे पहले कोशिश की जाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर है, यानी पहली जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है 29 दिसंबर को होगी। 11:15 के आसपास ये बैठक शुरू होगी और इसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विजन को लेकर मंत्रियों के सामने अपनी बात रखेंगे। 100 दिनों का विजन तैयार किया जाएगा, कार्य योजना तैयार की जाएगी और ऐसे में जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसको प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की कोशिश की जाएगी। उसके नक्शे कदम पर आगे कदम सरकार बढ़ाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर। सुशांत इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशांत, क्या कुछ जानकारी है? 29 को तारीख तय कर दी गई है, किन मुद्दों को वाकई में प्राथमिकता के तौर पर अशोक गहलोत आगे बढ़ाएंगे? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण होगी पहली बैठक कैबिनेट की। हालांकि कल प्रस्तावित थी, फिर किन्हीं कारणों से इसको स्थगित किया गया। अशोक गहलोत दिल्ली में है और सभी मंत्री हैं, उनमें जो अधिकांश है अपने क्षेत्रों में चले गए, वापस आना संभव नहीं था। लिहाजा परसों होगी ये 11:15 बजे और इस बैठक में संजय आने वाले दिनों का एक रोडमैप क्या रहेगा कांग्रेस सरकार का, मुख्यमंत्री सबके सामने रखेंगे, अपना विजन रखेंगे और एक 100 दिनों का टारगेट लक्ष्य तय किया जाएगा कि किन चीजों को हमें अचीव करना है, कौन से वादे घोषणा पत्र में हमने किए थे जिन्हें जमीनी धरातल पर लाना है, इन तमाम मुद्दों पर बात होने वाली है। चलिए ठीक है, शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर कहा जाए कि 29 दिसंबर को यह पहली बैठक होने वाली है कैबिनेट की। विभागों का बंटवारा हो चुका है और उसमें 100 दिनों का रोड मैप तैयार किया जाएगा। उसमें साफ तौर पर यह पता चल जाएगा कि अशोक गहलोत की सरकार अगले 3 महीने का टारगेट आखिर क्या रखती है। शुक्रिया।